एक बार शहंशाह अकबर और मंत्री बीरबल बगीचे में वार्तालाप कर रहे थे, तभी बगीचे में नगर के कुछ लोग आते हैं। सिपाही शहंशाह को बताता है, हुजूर, नगर के पास जंगल में एक खूंखार शेर आया हुआ है जो सभी को मारकर खा रहा है। क्या खूंखार शेर आया हुआ है? नगर वासियों से कहो उस जंगल के आसपास भी न जाएं। कल हम उस शेर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जी हुजूर। अगले ही दिन शहंशाह अकबर मंत्री बीरबल और कुछ सैनिकों के साथ उस खूंखार शेर को मारने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। शेर को बहुत देर तक ढूंढने के बाद जंगल के बीचों बीच सैनिकों को उसी शेर की लाश मिलती है। ये देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। फिर शहंशाह अकबर बीरबल जी से कहते हैं, बीरबल, इस खूंखार शेर को मारने वाला जरूर कोई निडर और साहसी रहा होगा। हमें उस व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित करना है। बीरबल, उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसने नगरवासियों की जान बचाई है। शहंशाह के हुक्म अनुसार बीरबल राज्य के आसपास के सभी नगरों में सूचना पहुंचा देते हैं। अगले ही दिन शहंशाह के महल में बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है। शहंशाह पूछते हैं बीरबल जी से, बीरबल, इतने लोगों की भीड़ हमारे महल में क्या कर रही है, बताओ। शहंशाह, इनमें से ही किसी ने उस शेर को मारा है जो कि इनाम लेने उपस्थित हुए हैं और बाकी लोग इनाम के लालच में आए हुए तो बीरबल पता करो उस शेर को मारने वाला कौन है। जी हुजूर। मैं आप लोगों से उस चलाए गए तीर के बारे में सवाल पूछूंगा। अगर जिसका भी सवाल गलत हुआ तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सही यही होगा, जिसने भी शेर का शिकार किया है वही महल में रुके। बीरबल जी की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग महल से चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा रहता है। वह झिझक में कहता है, उस शेर को मैंने मारा है। यह सुनकर बीरबल, शहंशाह और सभा के सभी मंत्री चौंक जाते हैं और हंसते भी हैं। फिर बीरबल जी पूछते हैं, तुमने उस शेर को कैसे मारा और तुम उस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं और मेरे दादाजी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। दादाजी ने मुझसे कहा उन्हें प्यास लगी है और वे वहीं विश्राम करने लगे। मैं उन्हें पानी लेने चला गया। जब मैं पानी लेकर आया तो मैंने देखा एक शेर मेरे दादाजी के कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है। मैंने देर न करते हुए मेरे पास रखे हुए तीर कमान से उस शेर का निशाना लिया और जैसे ही वह शेर मेरे दादाजी पर झपटा मैंने वह तीर चला दिया। तीर एकदम सही निशाने पर लगा। उस शेर के पंजे से मेरे दादाजी थोड़े घायल हो गए थे। फिर हमने देर न करते हुए उस जंगल से चले गए। बीरबल जी कहते हैं, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरा वही सवाल, उस तीर पर कौन से रंग का कपड़ा बंधा हुआ था? फिर वह बहादुर बच्चा कहता है, राजा बीरबल, उस तीर पर कोई कपड़ा नहीं बंधा हुआ था। तुम्हारा जवाब सही है, तुम हो इस इनाम के असली हकदार। बीरबल, एक छोटा बच्चा उस खूंखार शेर को मार ही नहीं सकता। माफ करिएगा हुजूर, उस जंगल में उसे दूर दूर तक यह कहने वाला कोई नहीं था कि यह काम तुम नहीं कर सकते हो, जिस कारण से उसने यह असंभव कार्य करके बता दिया। लेकिन बीरबल, इस बच्चे की आयु देखो। आयु की बात आप कर रहे हैं शहंशाह, इसका जीता जागता उदाहरण आप स्वयं खुद हैं। आपने मात्र 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी, तो ये छोटा बालक एक खूंखार शेर को तो मार ही सकता है। ये केवल हमारी सोच है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो हम एकदम सही कह रहे हो बीरबल, इस बहादुर बालक को इनाम दे दिया जाए। जी हुजूर।